Good morning class. This is our new Anaphysio class in which today we will study about the last topic of GI system, the accessory organs of GI system, that is the pancreas. क्योंकि जी आई सिस्टम अपना कंप्लीट हो चुका है, उसके एसेसरी ऑर्गन्स भी हम लिवर गॉल ब्लैडर पढ़ चुके हैं. अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पेनक्रियास, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं. तो देखिए पेनक्रियास कहाँ पे होता है. पेनक्रियास स्टमक के पीछे रहता है, ड्यूडेनम लूप्स अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियास. पेनक्रियास के हेड के चारों तरफ ड्यूडेनम की लूप पाई जाती है. यानी ड्यूडेनम की लूप कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं, जो इस पेनक्रियास को के सर को चारों तरफ से घेरे हुई रहती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. अब पेनक्रियास की डेफिनेशन, पेन का मतलब ऑल और क्रियास फ्लैश को कहते हैं. पेनक्रियास एक ग्लैंड है जो कि पार्टली एक्सोक्राइन और पार्टली एंडोक्राइन की तरह एक्ट करती है. मतलब ये एक्सो और एंडो दोनों ग्लैंड की तरह एक्ट कर रही होती. इस पेनक्रियास को हम लोगों ने पहले जो ग्लैंडुलर सिस्टम अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वहाँ पर भी मैंने आपको ये पढ़ाया था. इसका एक्सोक्राइन पार्ट डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, जबकि इसका एंडोक्राइन पार्ट हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह. पैनक्रियाज एक सॉफ्ट लॉब्यूलेटेड इलोंगेटेड ऑर्गन होता है. सॉफ्ट लॉब्यूल से बना हुआ लंबा ऑर्गन है ये पैनक्रियाज. पोस्टीरियर एब्डोमिन वॉल के ट्रांसवर्सली थोड़ा बहुत ट्रांसवर्स अक्रॉस में पाया जाता है, फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्री के लेवल पे. डायग्राम में देखिए फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्री के लेवल में ट्रांसवर्स लोकेशन इसकी होती है. ये जे शेप का ऑर्गन है, रिटॉर्ट शेप भी आप इसको कह सकते हैं. ये ऑब्लिकली पाया जाता है. रिटॉर्ट बॉवल ऑफ द रिटॉर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉवल ऑफ द रिटॉर्ट का मतलब इसमें हेड, रिटॉर्ट का स्टेम, नेक, बॉडी और टेल पाया जाता है. लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है और 1.2 से 1.8 सेंटीमीटर थिकनेस इसकी पाई जाती है और वेट लगभग 90 ग्राम का होता है. डिवीज़न पेनक्रियास को आप राइट से लेफ्ट में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो हेड, नेक, बॉडी और टेल, ये चार पार्ट्स हैं. सबसे पहले राइट से शुरू करो तो हेड, नेक, बॉडी, टेल. हेड इसका एनलार्ज्ड बड़ा पार्ट होता है, ड्यूडेनम की कैविटी में पाया जाता है, कॉर्न कैविटी के अंदर ये पाया जाता है. इसकी टेल जो है वो स्प्लीन की हाइलम तक पहुँचती है और ये एंटायर ऑर्गन जो है वो स्टमक के पीछे पाया जाता है, जो कि लेसर सैक के द्वारा सेपरेटेड रहता है. लेसर सैक के द्वारा ये सेपरेटेड रहता है. ये स्ट्रक्चर जो हमने बोले हेड, नेक, बॉडी, टेल आपको दिखाई दे रहा है. ड्यूडेनम इसके चारों तरफ है. अनसिनेट प्रोसेस बताया गया, सुपर मेसेंट्रिक वेन और आर्टरी दिखाई गई है डायग्राम में. ये हेड जो है फिर फर्दर हमने कहा है कि डिवाइड हो रहा होता है या सब डिवाइड हो रहा है हेड प्रॉपर और अनसिनेट प्रोसेस के अंदर. प्रॉपर हेड और अनसिनेट प्रोसेस के रूप में डिवाइड होता हुआ दिखाया गया है. अब पेनक्रियास का हेड, हेड एक एनलार्ज फ्लैट पार्ट है, राइट एंड ऑफ द पेनक्रियास पे पाया जाता है, सिचुएटेड विद इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम. ड्यूडेनम के कर्व के अंदर ये पाया जाता है, मतलब इसके चारों तरफ ड्यूडेनम कर्व लिए हुए रहती है. हेड के तीन बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर और राइट लेटरल बॉर्डर. दो सरफेसेस और एक प्रोसेस होता है इसमें. दो सरफेसेस में एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, और एक प्रोसेस जिसको अपन अनसिनेट प्रोसेस कहते हैं, जो कि लोअर से प्रोजेक्टेड रहता है. और इसका लेफ्ट पार्ट जो है हेड का वो लेफ्ट साइड होता है, प्रोजेक्ट फ्रॉम द लोअर एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हेड टुवर्ड्स लेफ्ट. इसके तीन बॉर्डर्स जो हमने कहा सुपीरियर, इन्फीरियर, राइट लेटरल. तो सुपीरियर जो है वो ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के द्वारा ओवरलैप रहता है और ये सुपीरियर पेनक्रेटिको ड्यूडेनल आर्टरी से रिलेटेड होता है. इन्फीरियर बॉर्डर जो है इसका वो ड्यूडेनम के थर्ड पार्ट से रिलेटेड होता है,
और इन्फीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी की तरफ होता है, जबकि ऊपर वाला सुपीरियर की तरफ था। राइट लेटरल बॉर्डर सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से रिलेटेड है, इसका टर्मिनल पार्ट जो है बाइल डक्ट का और एनास्टमोसिस ये रहता है दो पैनक्रियाटो को ड्यूडिनल आर्टरीज के बीच में, एनास्टमोसिस रहता है। ये वापस से स्ट्रक्चर देखिए कैसे कनेक्टेड है, ये रीनल से भी जुड़ा हुआ है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी बताई गई है, ये सप्लाई करती है इसको पोर्टल वेन, ये वेना कैवा है, ये एओर्टा बताई गई है। स्प्लीन से भी इसका मैंने कहा था टेल स्प्लीन के पास है। ये लेफ्ट यूरेटर लेफ्ट रीनल वेसल, राइट यूरेटर राइट रीनल वेसल दिखाई गई है। ये फिर इसका अच्छे से बड़ा सा डायग्राम, ये पैनक्रियाटिक डक्टस देखिए, अंदर इसके पैनक्रियाटिक डक्टस बताइए। ये ड्यूडिनल की पैपिला है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम पूरा पार्ट और अंदर ड्यूडिनम की पैपिला, और ये हेड का पैनक्रियाज इससे घिरा हुआ है। ये वही बाइल डक्ट, ये पैनक्रियाज के डक्ट स्प्लीन के अंदर पास देखो जुड़ी उसके साथ में। ये पैनक्रियाज की बॉडी और ये एब्डोमिनल लेआउट और इन्फीरियर वेना कैवा। अब इसके हेड में दो सरफेसेस होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर सरफेस जो है वो रिलेटेड होती है अबाउ से डाउनवर्ड तक, पहला गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, फिर ट्रांसवर्स कोलन और फिर जेजेनम। ऊपर से लेकर नीचे तक इसका सीक्वेंस बताया गया है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से ट्रांसवर्स कोलन से और जेजेनम से जुड़ी हुई जो इसको सेपरेट करती है, पेरिटोनियम के द्वारा इसको सेपरेट करती है यहाँ से। इसका पोस्टीरियर सरफेस रिलेटेड है इन्फीरियर वेना कैवा से, रिनल वेन के टर्मिनल पार्ट से और डायफ्राम के राइट क्रस्ट से और बाइल डक्ट से। अब पैनक्रियास का हेड, अनसिनेट पैनक्रियास, ये इट इज़ रिलेटेड एंटीरियरली टू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स एंड पोस्टीरियर टू द एओर्टा। सुपीरियर पार्ट पे तो इस पर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल इससे जुड़ी हुई, जबकि ये पोस्टीरियर पार्ट से एओर्टा से जुड़ा हुआ है। अनसिनेट प्रोसेस, ये एक हुक लाइक एक्सटेंशन होता है हेड का, पैनक्रियास के हेड का हुक लाइक एक्सटेंशन है जो कि वेरिएबल साइज और शेप का होता है, साइज शेप इसकी वेरी करती रहती है। ये डाउनवर्ड पास होता है और स्लाइटली लेफ्ट हेड के प्रिंसिपल पार्ट से लेफ्ट तरफ रहता है। ये फर्दर कंटिन्यू होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल के पीछे से और एओर्टा और इन्फीरियर वेना कैवा के फ्रंट से, लेफ्ट रीनल वेन के साथ में अबव विद द लेफ्ट रीनल वेन अबव, लेफ्ट रीनल वेन इसके ऊपर पाई जा रही होती है इस पार्ट के, और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बिलो भाई, लेफ्ट रीनल वेन इसके ऊपर और नीचे क्या है इसके थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पाया जाता है। तो ये पूरी इसकी लोकेशन बताई गई है अनसिनेट प्रोसेस की। तो ये पैनक्रियास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पैनक्रियास के हेड के बारे में, क्योंकि हमने कहा पैनक्रियास चार पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, हेड नेक बॉडी टेल, और इसका सबसे मेन पार्ट जो है वो हेड ही है। तो हेड में क्यों मेन पार्ट है भाई, काफ़ी बड़ा पार्ट है, ड्यूडिनम से घिरा हुआ रहता है, इसमें अनसिनेट पैनक्रियास पाया जाता है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस की एंटीरियर सरफेस दो इसकी सरफेस होती है, ये डायग्राम तीन इसके बॉर्डर होते हैं सुपीरियर इन्फीरियर और राइट लेटरल बॉर्डर्स। तो ये चीज़ें जो हमने बोली इनको हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया, ये डिविजन्स बताए गए हैं, साइज शेप वगैरह सब हमने पढ़ लिया। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है पैनक्रियास के बारे में, हेड हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद जो रिमेनिंग इसका पोर्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।